राहुल गांधी के आरोपों पर मोदी का मुंह तोड़ जवाब। कहा कांग्रेस के युवा नेता सीख रहे हैं भाषण, जब तक नहीं बोलते थे पता नहीं चलता था पैकेट में क्या है। पीएम मोदी ने मनमोहन और चिदंबरम का नाम लेकर भी साधा निशाना, कहा विरोध करने के चक्कर में अपनी ही नाकामी की रोज खोल रहे हैं पोल। कोलकाता का बिजनेसमैन पारस मल्लोडा कोर्ट में पेश, 25 करोड़ के पुराने नोट को बदलवाने को लेकर हुई थी गिरफ्तारी, रोहित टंडन और शेखर रेड्डी के नोट बदलवाने का आरोप। लगातार 7 कारोबारी सत्रों से बाजार पर बिकवाली हावी, 20 नवंबर के बाद निफ्टी ने 8000 के स्तर को भी तोड़ा, सेंसेक्स 263 अंक और निफ्टी 82 अंक लुढ़के, बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद। टाटा मोटर्स की ईजीएम शुरू, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से वाडिया को हटाने पर फैसला संभव, ईजीएम में मौजूद नहीं है नुसली वाडिया। जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक जारी, ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति बनाने की होगी कोशिश, अब तक हुई 6 बैठकों में 20 अध्यायों को मिल चुकी है मंजूरी। दिल्ली हाईकोर्ट से वोडाफोन को झटका, 1050 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार, 3 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई, डीओटी को नोटिस जारी, जुर्माने पर जवाब मांगा। रेल किराए को महंगाई से लिंक करने की तैयारी, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, थोक महंगाई दर के आधार पर तय होगा किराया। जल्दी मकानों और इमारतों के लिए कार पार्किंग सर्टिफिकेट होगा जरूरी, शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव, बिना सर्टिफिकेट वालों की कार का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। कार्यकाल पूरा होने से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी का सहयोग और समर्थन करने के लिए जताया धन्यवाद।